हाईवे में 400 भाई ले लेगी भाई, सबकी फाड़ देगी। ये लो भाई बल। लो भाई राइड है। हाँ सही है भाई, अभी बता दो। अच्छा अच्छा, आवाज कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी। दो एंकर, क्या पावर है, क्या पावर है। नहीं हो पा रहा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हो आप लोग, आई होप यू आर ऑल गुड। सो मेरे सामने भाई दो लेजेंडर बाइक्स हैं यार, जो अपनी अपनी जगह पे भाई बहुत बेस्ट बाइक है। सो एक अपनी R15 V4 और दूसरी जगह अपनी ऑल न्यू 2024 NS 400। ठीक है, सो आज हम इन दोनों बाइक की ड्रैग रेस करेंगे। एंड काफ़ी लोगों को वीडियो देखने से पहले ही पता होगा कि कौन सी बाइक आगे जाएगी, कौन सी बाइक पीछे जाएगी। बट जो लोग वीडियो में देख रहे हैं भाई, बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि NS 400 तो भाई आज की डेट में तबाही मचा रही है YouTube में और हर जगह, और R15 तो भाई कितने सालों से तबाही मचा रही है। सो आज आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या है, और इसमें तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, सो क्या पता भाई ये भी जीत सकती है। सो बाकी तो ये तो अभी बिल्कुल स्टॉक है, मुश्किल से इसको 30 दिन भी नहीं हुए बाइक को लिए हुए, सो फर्स्ट सर्विस भी नहीं है। तो आज हम इसके साथ ड्रैग करेंगे भाई, जितनी टॉप जाएगी जाने देंगे, बाकी जहाँ पे ट्रैफिक आएगा हम वहीं पे रोक देंगे। और मेरे साथ आकाश भाई है, तो आकाश भाई की R15 V4 और अपनी ये NS 400। सो जैसे ये मॉडिफिकेशन है, इस पर अभी कुछ भी मॉडिफाइड नहीं हुआ और बहुत जल्द हम करेंगे। और भी चीज़ें जो मैं वीडियोस लेके आता रहता तो भाई उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दिए फटाफट। और बाकी अब सीधा आप मिलते हैं ड्रैग रेस, सीधा यहाँ सब अपने हाईवे की तरफ भगाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं ड्रैग। ठीक है, यहाँ से आगे का जो भी कट होगा वहाँ तक। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सही है भाई, अभी बता दो। अच्छा अच्छा, आवाज कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी। कोई नहीं, तीन ऑन पे। ठीक है, दो और ये लो भाई R15 रह गई बहुत पीछे। लॉन्च अच्छा नहीं हुआ उसका मेरे ख्याल से, उसको फिर से रुकने को बोलते हैं, वंस मोर करते हैं। आगे जाने दिया भाई, आओ भाई। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर और ये तीसरा गियर भाई। तीसरे गियर में भाई हरा दिया R15 V4 को। सो अब जरा लेके चलते भाई टॉप एंड, आओ भाई। 140 150, अरे बाप रे, ये तो खतरनाक सीन हो जाता अभी। भाई पीछे पूरी शॉट उड़ती जा रही है भाई खतरनाक तरीके से। 157, 160, 161, ओ भाई 162, 163, 165, 166, ओ भाई 170 पहुंच सकती है भाई बहुत प्यार से। ओ भाई बाइक पूरी वॉबल हो गई थी भाई खतरनाक तरीके से ऐसे। देख रहे हो भाई, फर्स्ट सर्विस नहीं हुई, 166 तक गई है यार। इस बाइक की बात ही अलग है भाई, इस प्राइस सेगमेंट में बताओ भाई 166 तक मैंने अभी पहुंचा दी, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, फर्स्ट सर्विस करा दी तो कहाँ जाएगी भाई। बहुत सही लगा यार भगा के, मतलब ना इतना पावर, मतलब सोच रहे हो आप 2 लाख की बाइक
और इतनी पावर भाई फेंक रही है ना, मजा ही आ गया। अबे इसकी पावर कट रही है पूरी यार, पावर कट रही है इसकी, 134 135 पर जा ही नहीं। सब तो ठीक है बस वो है ना लास्ट में नहीं उठा रही, थोड़ा कूलेंट के हार्ड लग रही है गाड़ी मेरे को। अच्छा बाकी चलते कोई नहीं, सो गाइस अब राइडर चेंज हो चुका है, ठीक है व्हीली नहीं मारनी। चलो भाई तीन ऑन पे, रुक जा लो भाई राइडर, ओ निकल गई भाई NS 400 निकल गई भाई, पूरा खींच रखा मैंने तो इसे। चलो भाई बट R15 में भाई ऐसा नहीं है, पावर नहीं है, काफी अच्छा है इसका मतलब ना लॉन्च कंट्रोल। ये देखो जैसे ये बाइक उधर को जा रही है ना, वैसी मेरी सेम बाइक जाती है, मतलब हर बाइक में ये प्रॉब्लम है। इसी में भाई येलो क्रॉस करूंगा ना तब आइयो, ठीक है भाई, मौका दे दिया भाई को जाने का। नहीं भाई NS 400 फिर जाएगी भाई। चलो भाई देखते हैं कितनी देर में आती है भाई NS 400 मेरे आगे। ये फिर मेरा भाई अभी तक तो नहीं आई, मतलब देख रहे हो R15 ने भी पिकअप पकड़ ली भाई। अरे लो भाई ले गया मतलब देख रहे हो R15 और ऐसे अगर हम ट्रैफिक में चलाए ना तो भाई R15 भी बहुत तेज है ऐसे में, तो हाईवे में NS 400 भाई ले लेगी भाई, सबकी फाड़ देगी। मौका देते थोड़ा आगे जाने का, ग्रीन है। चलो भाई पकड़ो तीसरा गियर 106 भाई, नहीं दोस्त एंकर क्या पावर है ओ भाई साहब 125 नहीं हो पा रहा भाई, मैन ओ भाई ले गया ओ भाई साहब देख रहे हो, ओ भाई गलती भगाई भाई ये सही रहे। ये बात ओ भाई वापस से मैं NS 400 पे आ गया भाई, बहुत स्मूथ लग रही है यार बाइक। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों बाइक में ड्रैग रेस मारने का क्या रीज़न रहा है मेरा भाई। पहली बात दोनों बाइक का जो प्राइसिंग है ना वो 235 तक की आ रही है, और सेम ये भी भाई 230 तक की आ रही है आपको ऑन रोड। सो आप बताओ क्या ही डिफरेंस रह गया भाई। अब इस बजट में भाई मैंने इसलिए ड्रैग रेस की वीडियो बनाई कि पावर के हिसाब से आप लेना चाहते हो ना अगर नेकेड बाइक तो भाई NS 400 ही है, बट उसी जगह पे अगर आपको फेयरिंग बाइक लेनी है और अच्छी खासी मतलब एक लुक जो R1 जैसी लुक देती है, थोड़ी स्पोर्ट्स लुक देती है जैसे सुपर बाइक जैसी हो, तो उसके लिए R15 पे जा सकते हो। बट हाँ प्राइसिंग दोनों की सिमिलर रहेगी बिल्कुल, बस पावर आपको ज़्यादा NS 400 में ही मिलेगी, पिकअप और टॉप एंड जो भी है जैसे मैंने आपको दिखाया 166 भगा दी भाई। बाइक में क्या है अभी टायर की वजह से मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी का इशू लग रहा है, बाकी तो भाई बिल्कुल सही है। ये लो 160 फिर से, ये लो भाई 166। ओ बहस किया, सोच रहे 166 में मैंने ऐसे टर्न ली ना बाइक ही हिल गई थी। वैसे टायर साइज थोड़े से और चौड़े मिल जाएंगे ना इसमें
तो भाई मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी ये, जो इधर उधर हाई स्पीड में कर रहे हैं ना, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। बाकी बाइक में पावर है, स्मूथनेस सब कुछ है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। ड्रैग रेस की वीडियोस अब आपको आती रहेंगी। सो कोई चक्कर नहीं, आप कमेंट कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी ड्रैग रेस कौन से बाइक के साथ आपको चाहिए। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।